सरकार गरीबों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के पूर्णिया जिले से इसकी शुरुआत हो सकती है, जिसके तहत राशन पर सब्सिडी के बजाय गरीब परिवार के बैंक खाते में हर महीने एक तय रकम दी जाएगी। हाल में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा था कि अगर भारत खाने और ईंधन पर सब्सिडी समाप्त कर दे तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को 2600 रुपए की यूनिवर्सल बेसिक इनकम उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस स्कीम के तहत राशन देने के बजाय पूरी रकम परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा होगी। ये रकम राशन की खरीद, ढुलाई, स्टोरेज के आधार पर तय की जाएगी। इन पैसों का खुले बाजार से राशन खरीदने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फिलहाल ये सुविधा होगी। इस स्कीम की सिफारिश आर्थिक सर्वे में भी की गई थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत सब्सिडी वाले राशन के बजाय पूरी रकम दी जाने वाली है। बताया जा रहा है कि खाद्य मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिससे वित्त मंत्रालय भी पूरे तरीके से सहमत है। मोदी सरकार ने कुछ समय पहले ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सिफारिश की थी। इस तरह की आय से देश के प्रत्येक नागरिक को हर महीने एक तय आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इससे देश में व्याप्त गरीबी हटाने में मदद मिलने वाली है।